ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उपमंडल के सिंसाल गांव में हुए घटनाक्रम में पुलिस ने चार लोगों को नामजद करके उनके खिलाफ सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करने और सरकारी संपत्ति को तोड़ने के खिलाफ विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया है। उपमंडल के सिंसाल गांव में हुए घटनाक्रम में पुलिस ने चार लोगों को नामजद करके उनके खिलाफ सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करने और सरकारी संपत्ति को तोड़ने के खिलाफ विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया है। ये जानकारी पुलिस अधीक्षक कांगड़ा विमुक्त रंजन ने बैजनाथ में एक पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि इस प्रकार पुलिस की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करने वालों के खिलाफ आगे भविष्य में भी कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि सिंसाल गांव में पुलिस की मौजूदगी में पुलिस की जीप को तोड़ने और उस जीप में अंदर बैठे संभावित अपराधियों के ऊपर हमला करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस के हाथ कुछ वीडियो व फोटोग्राफी लगे हैं, जिनके आधार पर अन्य और लोगों के खिलाफ भी आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि पूरा जिले में कहीं भी ऐसा घटनाक्रम होता है और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न होती है तो आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वही सिंसाल में मृत मिले युवक सतीश का आज टांडा मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया, जिसके बाद उसके पार्थिव शरीर को परिजनों के हवाले कर दिया। वही इस वारदात में धारा 302 के तहत गिरफ्तार किए दोनों युवकों अनमोल और शंकुर को कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ उनको 28 दिसम्बर 5 दिन के पुलिस रिमांड में भेज दिया है। पुलिस ने पपरोला में उस रेस्टोरेंट का भी दौरा किया जहां घटना वाले दिन इन लोगों ने पार्टी का शराब का सेवन किया था। पुलिस अधीक्षक विमुक्त रंजन ने बताया कि पुलिस बहुत जल्दी इस मामले का पटाक्षेप करेगी, जबकि एक या दो दिन में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी पुलिस को मिल जाएगी। उसमें केस हमने अंडर सेक्शन 302 IPC रजिस्टर कर लिया है और दो संदिग्ध व्यक्तियों को जो कि लास्ट सीन मृतक के साथ थे उनको हमने अरेस्ट कर लिया है। उनकी इंटरोगेशन हो रही है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन में जो जो और पहलू हैं, चाहे वो टेक्निकल एनालिसिस है, उनके क्वालिटेटिव रिकॉर्ड है या कोई भी और साक्ष्य जो कि हमें स्पॉट पे मिले हैं, उनका एग्जामिनेशन हम लोग कर रहे हैं। फॉरेंसिक की टीम भी कल आई थी और मौका से कुछ साक्ष्य उन्होंने भी उठाए हैं, तो उनकी भी रिपोर्ट का हमें इंतज़ार है। और अगर आवश्यक होगा इसमें तो हम इसमें पॉलीग्राफ टेस्ट भी हम लोग, लाइट डिटेक्शन टेस्ट भी हम इसमें करवा रहे हैं ताकि सही तथ्यों तक पहुंचा जा सके और हकीकत के बारे में पता किया जा सके कि वास्तविकता में कैसे।